हेलो एवरीवन, आई एम सौरव एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 5। एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो पार्ट देखना है और बाकी चैप्टर्स को भी देखना है इस बुक के, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको बाकी चैप्टर्स और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम। हमने यहाँ तक कर लिया था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का क्या मीन्स होता है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सॉर्टिंग का क्या मीनिंग होता है कि जो हमारा डेटा होता है कोई भी फाइल का, जैसे ये डेटा है तो इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो इनको अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में होता है यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग यानी कि बढ़ते से छोटे में। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में कहेंगे तो ए से जेड की तरफ असेंडिंग होगा, और डिसेंडिंग कौन सा होगा? जेड से ए की तरफ। और न्यूमेरिकल में 1 से 10 की तरफ असेंडिंग, और डिसेंडिंग होगा 10 से 1 की तरफ। द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल आर नॉट स्टोर्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। अब जो एक टेबल बनाते हैं उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकली नहीं लिखते, अपनी मर्जी से ही लिखते रहते हैं। दे आर एंटर्ड इन टू अ टेबल एज इट इज अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स। और वो टेबल में कैसे एंटर किए जाते हैं? जैसे हमें सोर्स में दिखाया जाता है, यानी कि कोई भी, जैसे हमें प्रिंटेड सा पेज दे दिया और हमें कहा गया कि इसको कॉपी कर लो टेबल में, यानी कि टेबल में उसे एज इट इज लिख दो। तो हमें क्या पता होगा किस तरह से है वो, तो हम जैसे उसमें होता है वैसे एज इट इज ही लिख देते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स टेबल। तो आइए एक स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं। यू कैन सॉर्ट डेटा विद इन अ टेबल विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक टेबल के अंदर आप जो डेटा है उसे सॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का डेटा होता है, यानी कि ये जैसे इस तरह से जा रही हैं, ये सभी फील्ड्स हैं, तो इनमें से पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का डेटा आप एक टाइम पर चेंज कर सकते हैं, चाहे असेंडिंग में करें या फिर डिसेंडिंग में। देर आर टू वेज ऑफ सॉर्टिंग अ रिकॉर्ड। और अब सॉर्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। आज की वीडियो में हमने दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, और दो टॉपिक में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला सॉर्टिंग है, तो सॉर्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद इंपोर्टिंग का आएगा। तो सॉर्टिंग में दो तरीके होते हैं, सॉर्टिंग थ्रू होम टैब मेन्यू। पहला है सॉर्टिंग होम टैब मेन्यू के थ्रू करना। टू सॉर्ट डाटा फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो जो नीचे दिए गए स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। तो पहला स्टेप क्या दिया है? प्लेस द कर्सर ऑन द डिजायर्ड फील्ड, यानी कि जिस भी फील्ड का आप डेटा चेंज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, उस पर पहले अपना माउस लेकर जाइए। यानी कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, माउस को लेकर जाइए वहां तक। नाउ सेलेक्ट आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द होम टैब। अब आपको पहले होम टैब पर जाना है, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर नाम से एक ग्रुप होगा, उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड्स विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंगली। और तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। तो आपको दिखा देता हूँ होम टैब मेन्यू के थ्रू कैसे करते हैं इसको सॉर्टिंग। तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स वाली टेबल ओपन की हुई है, इसमें नेम है, मैं नेम को अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, होम टैब में गया, होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ग्रुप है यहाँ पर, उसमें मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी चूज कर लेते हैं, पहले असेंडिंग वाला करके देखते हैं। तो असेंडिंग वाले पे क्लिक करते ही ये जो नेम है ये देखिए, अक्षत, अर्णवीर, केशव, रितिका, सलोनी, संस्कृति, अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए। और हमारे पहले कैसे थे, अब देखिए 801, 802, 803, 803 के बाद 805 आ गया, क्योंकि हमने कैसे अरेंज किया, नेम्स के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दिया, अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है। तो वो रोल नंबर भी है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे नेम के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग पे कर देता हूँ तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जेड से ए की तरफ चलेगा फिर ये, यानी कि संस्कृति, सलोनी, रितिका, केशव, रणवीर, अक्षत, तो सारे के सारे जो है उल्टे हो गए हैं। और अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है सॉर्टिंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू सॉर्ट करना। होम टैब मेन्यू के थ्रू देख लिया, अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। सो फर्स्ट पॉइंट है, प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड हेडर हुज डेटा यू वांट टू सॉर्ट।
तो पहले क्या करना है, जिस भी फील्ड का आप डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं उसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर उसके हेडर पर अपना कर्सर ले जाइए। सेकंड पॉइंट है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एट द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम। अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरो होती है, छोटा सा तीर होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट आइदर सॉर्ट ए टू जेड। अगर आप तीर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो मेन्यू आएगी ये क्या होगी, कंटेक्स्ट मेन्यू होगी। और सेलेक्ट आइदर सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए ऑप्शन एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द डेटाबेस। तो जैसे हमने अभी सॉर्ट ए टू जेड असेंडिंग और सॉर्ट जेड टू ए डिसेंडिंग वाला देखा है, वैसे ही ऑप्शन आ जाएंगे और उसी अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने नेम वाला सेलेक्ट किया, इसमें ड्रॉप डाउन एरो है, इसमें सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किया तो ये इस तरह से नेम्स आ गए हैं, और सॉर्ट जेड टू ए किया तो इस तरह से आ गए हैं नेम्स। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, टू क्लियर योर सॉर्ट क्लिक द क्लियर ऑल सॉर्ट कमांड इन द सॉर्ट एंड फिल्ड ग्रुप ऑन द रिबन। तो रिबन एरिया में सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ग्रुप है उसमें क्लियर ऑल सॉर्ट नाम से कोई ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपने जो भी सॉर्ट लगाए हैं, फिल्टर लगाए हैं, वो सारे वापस क्लियर हो जाएंगे। तो हमने अब सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आ गए हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में यहाँ पर क्लियर ऑल सॉर्ट तो नहीं है, रिमूव सॉर्ट का ऑप्शन है, और रिमूव सॉर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लियर ऑल सॉर्ट्स भी शो कर रहा है। तो इस पे क्लिक किया तो सारे के सारे वैसे अरेंज हो गए जैसे हमने सॉर्ट करने से पहले सेट कर रखे थे। अब रोल नंबर देखिए, जैसे हमने सेट कर रखे थे वैसे ही हैं, 801, 802, 3, 4, 5, 6, और नेम भी वैसे ही आ गए हैं जैसे हमारे पहले पड़े थे। अब ये सॉर्टिंग का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन एमएस एक्सेल। अब इम्पोर्टिंग यानी कि किसी और जगह से अपनी जगह पर लाना, जैसे इम्पोर्ट करना किसी चीज़ को, जैसे कोई भी सामान होता है तो इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं अपने, यानी कि इंडिया में लाते हैं, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि इंडिया से बाहर भेजते हैं। तो हम अभी एमएस एक्सेल चला रहे हैं, तो एमएस एक्सेल में हम डेटा इम्पोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, एमएस एक्सेल से। तो यानी कि हम एमएस एक्सेल वाला डेटा जो है एमएस एक्सेल में चलाएंगे। तो वो कैसे चलाएंगे आइए देखते हैं। एमएस एक्सेल अलाउज यू टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है हमें एक ऐसा फीचर देता है जिससे कि हम किसी दूसरी एप्लीकेशन जैसे कि एमएस एक्सेल वगैरह से भी अपना कोई भी डेटा जो है वो एमएस एक्सेल में चला सकते हैं। और अगर हम ऐसा चलाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है, ओपन ए डेटाबेस फाइल इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कोई भी डेटाबेस फाइल खोल लीजिए, हमारी तो ऑलरेडी ओपन ही है, ये वाली स्टूडेंट्स वाली। क्लिक ऑन द एक्सेल ऑप्शन इन द इंपोर्ट ग्रुप ऑन द एक्सटर्नल डेटा टैब। अब वहां पर एक्सटर्नल डेटा टैब होगा, उसमें इंपोर्ट वाला ग्रुप होगा, उसमें एक्सेल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। तो देखते हैं, ये रहा एक्सटर्नल डेटा वाला टैब, इस पर क्लिक किया, इसमें इंपोर्ट वाला जो ग्रुप है उसमें एक्सेल वाला ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट हमें क्या कर रहा है, द गेट एक्सटर्नल डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो यहां पर इन्होंने जैसे बताया गेट एक्सटर्नल डेटा, एक्सेल स्प्रेडशीट नाम का जो एक डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर द लोकेशन एंड नेम ऑफ द एक्सेल फाइल दैट यू वांट टू इंपोर्ट। अब यहाँ पर ये जो फाइल नेम वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे, जो भी फाइल का आपका नेम है या फिर लोकेशन है उसे एंटर कर दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू डोंट नो द लोकेशन, अगर आपको उसकी लोकेशन नहीं पता कि वो कहाँ पे पड़ा है डेटा, देन क्लिक ब्राउज बटन। तो यहाँ पर एक ब्राउज बटन होता है, ब्राउज नेम से एक बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। द फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ट्रेस द फाइल एंड क्लिक द ओपन, क्लिक ऑन ओपन। अब यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो फाइल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, मुझे नहीं पता मेरी लोकेशन क्या है, तो मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ और कोई भी फाइल जो है एमएस एक्सेल से रिलेटेड हो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एमएस एक्सेल की एक फाइल मैंने ओपन की, तो यहाँ पर वो उसका जो लोकेशन है और नेम है वो सारा यहाँ पर आ गया फाइल नेम के अंदर ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है, इम्पोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इम्पोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस, ये अपने आप पहले ही सेलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट।
अब क्या कह रहा है, क्लिक ओके। अब ये सिलेक्ट किया हुआ है तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। दिस विल ओपन द इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड, और इससे क्या है, स्प्रेडशीट विजार्ड ओपन हो जाएगा इम्पोर्ट करने का। तो अपने भी ओके पे क्लिक करते हैं, इम्पोर्ट वाला सेलेक्ट किया हुआ है, अब ओके पे क्लिक किया तो हमारे सामने इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या करना है हमने, अब हमारे स्टेप शुरू हो गए हैं। यहाँ पे स्टेप वन क्या है, इन द इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड ऑफ स्टेप वन, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सेलेक्ट द वर्कशीट दैट यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब वो वर्कशीट सेलेक्ट कीजिए जो आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। इफ यूर एक्सेल फाइल हैज मोर देन वन वर्कशीट्स, यानी कि अगर आपकी एक्सेल फाइल में एक से ज्यादा वर्कशीट्स हैं तो जो भी वर्कशीट आप यूज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए मैंने जो सेलेक्ट की है एक्सेल की स्प्रेडशीट, उसमें तीन शीट्स हैं, तो शीट वन पे क्लिक किया तो उसका जो डेटा है यहाँ पर शो होने लग गया, शीट टू खाली है, शीट थ्री भी खाली है, तो शीट वन सेलेक्ट करते हैं, शीट वन का डेटा यहाँ पर मेरे को प्रीव्यू में शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप टू है, ऑलवेज यूज कॉलम हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स मेक योर डेटाबेस मच इजियर टू यूज, कि हमेशा कॉलम की हेडिंग को यूज कीजिए। ये जो कॉलम होते हैं यहाँ पर बने होते हैं, ये देखिए जैसे ये कॉलम है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, सारे कॉलम है, इनको सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ये काम करने में आगे काफी इजियर होते हैं। ऑन द सेकेंड स्क्रीन मेक श्योर दैट द फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग्स चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका जो सेकेंड स्क्रीन आएगी उसमें ये वाला ऑप्शन शो करेगा, फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग्स, ये चेकबॉक्स होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा जो ये यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया था तो ये आया था, ये वाले इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड वाला, तो इसमें ये दिया हुआ है फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग्स, तो इसको हम चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब स्टेप थ्री में क्या कह रहा है, इन द इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड व्हेन यू सेलेक्ट ए कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन विल अपियर इन द फील्ड ऑप्शन सेक्शन। अब जैसे ही आप इम्पोर्ट वाले पे क्लिक कर और नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और ये कॉलम विजार्ड वाला सेलेक्ट करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है फील्ड की वो वहां पर फील्ड ऑप्शन में सेक्शन में दिखाई देगी। जैसे कि ये आइटम्स वाला है फील्ड वन में है तो फील्ड वन वाला सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पर फील्ड नेम फील्ड वन आ रहा है, अगर मैं मंडे वाले पे क्लिक करूंगा तो फील्ड टू आ रहा है, ट्यूजडे वाले पे तो फील्ड थ्री आ रहा है, तो इस तरह से फील्ड का नेम जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। हेयर यू कैन मॉडिफाई द फील्ड नेम डेटा टाइप एंड अप्लाई इंडेक्स्ड। अब इसमें आप जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स को यस या नो कर सकते हैं, मतलब इन ऑप्शंस में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग ए कॉलम कैन मेक इट इजियर टू फाइंड डेटा। अब अगर आप इंडेक्सिंग वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपको डेटा को फाइंड करना काफी ज्यादा ईजी होता है। इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट अ कॉलम फ्रॉम द इम्पोर्ट प्रोसेस सेलेक्ट डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड स्किप चेकबॉक्स आफ्टर मेकिंग चेंजेस क्लिक नेक्स्ट। अब इस लाइन में क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी कॉलम को एलिमिनेट करना चाहते हैं, अपनी टेबल से निकालना चाहते हैं बाहर, जब आप इम्पोर्ट प्रोसेस कर रहे हो और किसी फील्ड को बाहर निकालना चाहते हैं टेबल से, तो डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड जो है उस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका फील्ड जो है वो वहां से निकल जाएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए फिर। तो जैसे इसमें मैं निकालना चाहता हूँ मंडे वाला फील्ड, तो मंडे वाला मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये डू नॉट इम्पोर्ट फील्ड है और स्किप लिखा हुआ ब्रैकेट में, इसको चेकबॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, मैंने किया सेलेक्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो ये जो है वो निकल जाएगा हमारी टेबल से, रिमूव हो जाएगा। अब स्टेप फोर में क्या कह रहे हैं, द स्टेप फोर ऑफ विजार्ड यू विल फाइंड एक्सेस प्रॉम्प्टिंग यू टू रिकमेंड ए प्राइमरी की फॉर योर न्यू टेबल यूजिंग एनी वन ऑप्शन। अब जब आप फोर्थ स्टेप में आएंगे तब क्या एक्सेस हमसे पूछेगा कि अब आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं, और हमें क्या क्या ऑप्शन देगा, लेट एक्सेस एड प्राइमरी की और चूज माई ऑन प्राइमरी की और नो प्राइमरी की, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन प्रेजेंटली मेक श्योर यू क्लिक लेट एक्सेस एड प्राइमरी की एंड देन क्लिक नेक्स्ट। अब इसमें हमें ये तीन ऑप्शन देगा, लेट एक्सेस एड प्राइमरी की, चूज माई ऑन प्राइमरी की, नो प्राइमरी की, और जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके
और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। बट ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो लेट एक्सेस एड प्राइमरी की ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो हम इनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है, लेट एक्सेस एड प्राइमरी की, चूज माई ऑन प्राइमरी की और नो प्राइमरी की। मैंने लेट एक्सेस एड प्राइमरी की को सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ विजार्ड असाइन ए नेम टू योर टेबल इन द इम्पोर्ट टू टेबल टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। अब नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको क्या करना है, एक नेम देना है अपने टेबल का, असाइन करना है एक नेम, और किस में करना है, इम्पोर्ट टू टेबल वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें। वो करने के बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर शीट वन जो है इसमें इम्पोर्ट टू टेबल वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें लिख देता हूँ मेरा नेम, और उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। और फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आया है, तो हम देख लेते हैं आगे। सिक्स स्टेप में क्या कर रहा है, इन द इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड डिटेल ऑफ द फाइल आई कंप्लीट पाथ ऑफ द इम्पोर्ट फाइल एंड टू विच टेबल इज बीइंग इम्पोर्टेड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर ये जब हम सिक्स स्टेप में आएंगे, इम्पोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड है उसकी डिटेल जो है फाइल की वो शो करेगा, और जो भी इम्पोर्ट की हमने फाइल उसका डेटा शो करेगा, यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर ये जो स्क्रीन दी हुई है इस तरह से। तो इस तरह से सेव इम्पोर्ट का पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। आगे भी जब आप टेबल ओपन करें, ये वाली डेटाबेस ओपन करें, तो ये टेबल दिखाई दे या ना दे, इस तरह की क्वेरी करता है। सो यू कैन आइदर क्लिक ऑन द चेकबॉक्स सेव इम्पोर्ट स्टेप्स, यहाँ पर जो चेकबॉक्स आएगा सेव इम्पोर्ट स्टेप्स वाला, उस पर क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए, विच विल अलाउ यू टू क्विकली रिपीट द ऑपरेशन विदाउट यूजिंग द विजार्ड। और मतलब आप इस पे क्लिक करके और नेक्स्ट बटन पे या फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो पता है क्या होगा कि आप जब भी इस डेटाबेस को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको ये टेबल दोबारा इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपकी टेबल ये परमानेंटली इसमें फिक्स हो जाएगी। और जस्ट क्लिक ऑन क्लोज बटन। और अगर आप इम्पोर्ट दोबारा नहीं कर दोबारा इम्पोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जब आप टेबल दोबारा ओपन करें तब आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, विच विल रिटर्न यू टू द डेटाबेस विंडो। और अगर आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो वापस आप डेटाबेस विंडो पे आ जाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द न्यू इम्पोर्टेड टेबल इज नाउ अ पार्ट ऑफ योर डेटाबेस। और अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो नई आपने टेबल इम्पोर्ट की है ये भी आपके जो डेटाबेस है उसी का एक हिस्सा बन जाएगी, यानी कि नेविगेशन बार में ये टेबल भी शो होगी। टू ओपन दिस टेबल डबल क्लिक ऑन द नेविगेशन पेन, द टेबल विल ओपन इन द डेटा शीट व्यू। और अगर आप इस टेबल को देखना चाहते हैं नेविगेशन पेन के थ्रू तो डबल क्लिक कीजिए और डेटा शीट व्यू में ये टेबल जो है ओपन हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे सेव करूं, तो मैं इस सेव वाले पे डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर देता हूं, तो ये डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं तो अपने इसको स्किप कर देते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि ये टेबल मुझे दोबारा शो ना हो जब भी मैं इस डेटाबेस को दोबारा ओपन करूं किसी भी तरीके से, तो मैंने इस चेकबॉक्स को क्लिक नहीं किया और क्लोज बटन पे डायरेक्टली क्लिक कर दिया। तो इधर ये नेविगेशन बार में देखिए सौरभ नाम से एक टेबल आ चुकी है हमारे सामने, और अब अगर हम इस टेबल को देखना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, तो ये देखिए हमारे जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर शो होने लग गए। पहला था आइटम्स वाला, फिर सेकंड हमने वो मंडे वाला था, तो मंडे वाला मैंने आपको दिखाया था वो स्किप कर दिया था हमने ऑप्शन, यानी कि रिमूव कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हुआ। तो डायरेक्टली ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये टोटल वाला, ये सारे जो है नंबर्स शो होने लग गए यहाँ पर। तो इस तरह से आप एक्सेल के थ्रू एक्सेस में कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको सारा डेटा दोबारा लिखना नहीं पड़ा। देखिए कुछ ही स्टेप हमें, चार पांच स्टेप ही फॉलो करने पड़े जिसके थ्रू हम एक्सेल की बनी हुई टेबल जो है उसको डायरेक्टली हमने एक्सेस में कॉपी कर लिया। तो इस तरह से आप एक्सेस में जो एक्सेल का डेटा है वो भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दीजिए, और अगर इसके बाकी चैप्टर्स देखने हैं या इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो भी कल आ जाएगी, तो क्वेश्चन आंसर देखने के लिए भी बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।